तो भाई लोग ठंड बहुत बढ़ गई है, साल खत्म होने वाला है और आपकी न्यू ईयर पार्टी इससे पहले स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको जल्दी से कुछ अपडेट देने वाला हूँ। तो मोटरोला का एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है रिलायंस जियो पे, अब आप बिना नेटवर्क के भी शायद कॉल कर सकते हो। और गूगल एक नया फ़ोन निकाल रहा है जो गर्मियों में ही हमारे पास आने वाला है। तो क्या है ये सारी न्यूज़, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़। तो भाई कुछ महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि एक्सबॉक्स के लिए कीबोर्ड और माउस सपोर्ट आने वाला है और फाइनली अब रेजर ने स्पेशली डिजाइन कीबोर्ड और माउस निकाल दिए हैं जिससे आप एक्सबॉक्स वन के साथ यूज़ कर सकते हो। तो भाई अब आप शूटिंग गेम्स खेल रहे हो तो आपको गेम पैड से वो अजीब से मैनूवर्स नहीं करने पड़ेंगे, आप नॉर्मल कीबोर्ड माउस से खेल सकते हो। तो भाई मतलब फोर्टनाइट जैसे गेम्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है अगर आप खेलते हो तो। बट फोर्टनाइट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई अगर उसने डिटेक्ट किया कि आप कीबोर्ड माउस लगा के खेल रहे हो अपने एक्सबॉक्स पे तो वो आपको पीसी प्लेयर्स के साथ मैच करेगा, एक्सबॉक्स प्लेयर्स के साथ नहीं, क्योंकि आपके पास फिर एडवांटेज होगा ऑब्वियसली, मतलब भाई माउस से बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। बट ओवरऑल भाई एक्सबॉक्स वन के साथ कीबोर्ड माउस सपोर्ट आ गया है और अभी कुछ 15 गेम्स हैं जिन जो सपोर्टेड है, बट धीरे धीरे सपोर्ट और बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास एक्सबॉक्स वन है या आप लेने का सोच रहे थे तो भाई काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है भाई जियो के लिए। तो अगर आप जियो यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो जियो ने भाई 2 साल पहले जब लॉन्च हुआ था वॉइस ओवर LTE VoLTE जिसे हम कहते हैं वो लॉन्च करके एकदम से गेम पलट दिया था बिल्कुल। अब मतलब ऑलमोस्ट सारी कॉल्स फ्री हो गई हैं भाई और ओवर डेटा होती हैं सारी कॉल्स अब जो VoLTE वाली कॉल्स हैं आपको पता होगा। तो भाई उसी तरह से अब एक नई टेक्नोलॉजी जियो इंट्रोड्यूस कराने वाला है वॉइस ओवर वाईफाई VoWiFi। और टेलीकॉम टॉक के एक रीडर ने ये स्पॉट किया सबसे पहले, उनका एक स्क्रीन शॉट है आईफोन का जिसमें वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस चल रही है जियो की। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना जियो सिम के यूज कर सकते हो, सिम आपको तब भी चाहिए होगा। तो इससे क्या होगा कि कई बार जैसे आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो, आप किसी ऑफिस के अंदर हो और वहां पे मतलब जियो का नेटवर्क उतना स्ट्रांग अगर नहीं आ रहा हो तो आप जब कॉल ट्राई करते हो तो वो कनेक्ट नहीं हो पाती है या फिर आपकी वॉइस बहुत ब्रोकन आती है। उसकी जगह आप क्या कर सकता है आपका फोन कि अगर आपके पास जियो सिम है तो वो वॉइस ओवर वाईफाई से कॉल ट्राई करेगा। मतलब बेसिकली अगर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो उस वाईफाई के थ्रू आपकी कॉल प्लेस करेगा। तो मतलब आपकी कॉल क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और मतलब ये टेक्नोलॉजी वॉइस ओवर LTE के साथ साथ ही काम करती है। मतलब ऐसा भी होगा कि जैसे आप 4G से वाईफाई स्विच हुए, वाईफाई से 4G स्विच हुए तो आपकी कॉल उस पर स्विच होती रहेंगी, आपको बेसिकली डिसकनेक्ट नहीं होगी कॉल। मतलब अच्छी चीज़ है भाई, लोड नेटवर्क इशूज जहाँ पे चलते हैं आपके और अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड रहते हो ज़्यादातर टाइम तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी कॉल क्वालिटी बहुत इंप्रूव होने वाली है। अब भाई एक और धमाकेदार न्यूज़, तो काफ़ी टाइम से रूमर सुन रहे थे कि भाई पिक्सल का एक लाइट वर्जन लॉन्च करने वाला है गूगल। तो भाई अब हमारे पास और न्यूज़ आ गई है कि गर्मियों में रिलीज हो सकते हैं ये फ़ोन, मई जून के टाइम US में स्टार्ट होगा रिलीज। तो बेसिकली पिक्सल ही होगा बट उसमें स्नैपड्रैगन 670 या स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर होगा, थोड़ा सा लो बट बाकी पिक्सल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एकदम क्लीन, गूगल का सॉफ्टवेयर और पीछे जो कैमरा है उसमें आपको वो सारी ट्रिक्स जो है भाई पिक्सल ट्रिक्स वो सब आपको मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्राइस जो होगा वो 30,000-35,000 की रेंज में होने वाला है। दो मॉडल होने वाले हैं, एक पिक्सल 3 लाइट और एक शायद पिक्सल 3 लाइट XL या पिक्सल 3 XL लाइट जो भी उससे बोलेगा। बट बेसिकली आपको वो पिक्सल का कैमरा एक्सपीरियंस, पिक्सल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वो सब आपको मिल जाएगा और सस्ते प्राइस में 30,000-35,000 में। तो अगर ये फोन एक्चुअली इंडिया में आता है तो काफी अच्छा होने वाला है और मतलब वन प्लस जैसे फोन्स को काफी अच्छी टक्कर मिलने वाली है इस फोन से। अब भाई एक और छोटी सी न्यूज है, अगर आपने Zenfone Max Pro M2 खरीदा है, बहुत धांसू फोन है, तो भाई उसका एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो पाई अपडेट नहीं है, वो पाई अपडेट जनवरी में आना है ASUS ने प्रॉमिस किया है, बट अभी जो अपडेट आया है उसमें आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा और कुछ कुछ कैमरा में इंप्रूवमेंट्स हैं, फेस अनलॉक में इंप्रूवमेंट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर में इंप्रूवमेंट्स हैं, कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं। तो अभी जैसे Zenfone Max Pro M2 के कैमरा के साथ काफ़ी अपडेट्स आने बाकी हैं, अभी उसके फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड भी नहीं है तो वो भी धीरे धीरे वो सारे अपडेट्स कर देगा ASUS। तो अगर आपको Zenfone Max Pro M2 खरीदने का सोच रहे हो जरूर खरीदो भाई, बहुत धांसू फोन है। अब भाई एक और ताज़ी लीक न्यूज़ आई है हमारे पास, तो 91 मोबाइल्स और OnLeaks ने मिलकर ये लीक किया है कि मोटरोला का जो पी सीरीज़ का नेक्स्ट फ़ोन है P30, उन्होंने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था चाइना में और वो ग्लोबल मार्केट्स में नहीं आया, बट अभी P40 का लीक हुआ है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इसका और मोटरोला ने भी फाइनली भाई वो पंच होल डिस्प्ले वाला कैमरा टाइप उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। मतलब बहुत जल्दी से ये अडॉप्शन हुआ है यार, अभी तक तो हम नॉच वॉच देख रहे थे, इतने लोग पॉपअप ट्राई कर रहे थे, इतने में लोगों ने ये शुरू कर दिया कि मतलब स्क्रीन में होल डाल के फ्रंट कैमरा। Huawei का ऑलरेडी फोन आ गया है, ऑनर का फोन आ गया है, सैमसंग का फोन आ गया है और अब मोटरोला भी वैसे जा रहा है। तो अब देखो कि डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है इस फोन का, पीछे डुअल कैमरा सेटअप है और आई थिंक ये फोन ग्लोबली जरूर लॉन्च होगा और शायद ये मोटरोला वन ब्रांडिंग के अंडर लॉन्च हो सकता है, तो मोटरोला वन पावर टू या ऐसा कुछ जो भी मोटरोला इसको नाम देगी।
तो ये फोन हमें ग्लोबल मार्केट में जरूर देखने को मिल सकता है। स्पेक्स जितने अभी तक हमें पता है, तो भाई 6.2 इंच की स्क्रीन है, साइड में लेफ्ट साइड में ये पंच होल टाइप कैमरा है और पीछे डुअल कैमरा सेटअप है और नीचे मोटरोला का लोगो आपको मिलता है। बाकी बेजल्स बहुत कम है, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फ़ोन। अब देखना होगा कि अंदर इसके क्या क्या इंटरनल्स पैक करता है मोटरोला। तो भाई पर काफ़ी प्रॉमिसिंग फ़ोन होने वाला है और 2019 में मुझे ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई सब लोग अब फुल स्क्रीन डिस्प्ले की तरफ जा रहे हैं और छोटे सेल्फी कैमरा होल के साथ। देखना होगा कि यूजेज में ये कितना इफेक्ट करता है, बट अभी लुक्स में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है ये ट्रेंड, कि सब लोग को ये फॉलो करना चाहिए या नॉट ही अच्छा था। चलिए फिर इस वीडियो के लिए तो इतना ही, और साल खत्म होने वाला है और हम सोच रहे हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल अवार्ड्स लेके आए मोबाइल के। तो सब लोगों ने बेस्ट फोन के अवार्ड्स तो दे दिए हैं, बट कुछ ऐसे फ़ोन जिसको अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं उसको हम अवार्ड्स देंगे। तो होपफुली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा 31st को। तब तक के लिए बाय।